दोस्तों टीम इंडिया में हुई अचानक चार भूखे शेरों की एंट्री, इसे देख कांप गई पूरी बांग्लादेश की टीम। तो ऐसे में क्या कुछ है, पूरी खबर की जानकारी सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जहां वर्ल्ड कप 2023 में इस समय रोमांचक मुकाबले हम सबको रोज देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में वही जहां पे अब इस समय आपको बता दें कि टीम इंडिया जो कि वर्ल्ड कप 2023 में कमाल का प्रदर्शन पेश कर रही है लगातार हर मैचों में, जहां तक इसके तीन मुकाबले खेले गए हैं और तीनों ही मुकाबलों में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन पेश किया है। जहां इसका आखिरी मुकाबला आपको बता दें कि यानी कि तीसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया था, तो इस हाई वोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। लेकिन अब बारी है टीम इंडिया के अगले मुकाबले की। अगला मुकाबला जो कि टीम इंडिया का बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा, और ऐसे में इस मुकाबले के लिए आपको बता दें कि जहां ये मुकाबला भैया आपको बता दें 19 अक्टूबर को खेला जाने वाला है, तो यही ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार 2 बजे शुरू होगा और ये मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम यानी कि पुणे में खेला जाने वाला है। जी हां, लेकिन आपको बता दें कि इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया में चार भूखे शेरों खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कौन है वो खिलाड़ी। पहले खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव को मौका मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ मैच है और ऐसे में यहाँ पे कप्तान रोहित शर्मा कह रहे हैं हम सूर्य कुमार को मौका देंगे और यहाँ पे शेर को आराम देने वाले। जी हाँ, इसके बाद दूसरे खिलाड़ी होंगे मोहम्मद शमी को भी यहाँ पे दोस्तों मौका दिया जाएगा, क्योंकि अब अगले मुकाबले यानी कि बांग्लादेश के बाद यहाँ पे इंग्लैंड न्यूजीलैंड से, तो ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा कहना है यहाँ पे तब तक हम मोहम्मद शमी को आजमाएंगे ताकि वो अगले दो मुकाबलों के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए। इसके बाद तीसरे में यहाँ पे ईशान किशन को मौका मिलेगा, तो वहीं चौथे खिलाड़ी होंगे रविचंद्र अश्विन जो कि बल्लेबाजी गेंदबाजी फिर दोनों में माहिर है। तो आपकी क्या राय इन चार खिलाड़ियों के बारे में, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।